हाय फ्रेंड्स, मुझे आज ये रिक्वेस्ट मिला था कि संतूर का साउंड कैसे बनाते हैं या संतूर में ट्रिल को कैसे ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने वर्ल्ड में देखा तो वर्ल्ड के उसमें सेक्टर में संतूर ऑलरेडी था जिसको मैंने एडिट किया है। सो इट्स अ कंपनी साउंड, गो बैक टू पैच एडिट। यस, नाउ आई हैव टू टेल यू वन थिंग, जो आज मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला है इसके अंदर, यानी ये ऑलरेडी है, मुझे मिला है। सो दिस इज गो टू TVA एनवलप, TVF एनवलप के बाद TVA है। TVA के अंदर जाके आप ये जो है वी कर्व, इससे चमत्कार होगा। ये देखो, ये फिक्स्ड है, पूरा टच का चेंज हो रहा है। तो ये काफी नेचुरल से नजदीक का टोन आपको मिल जाएगा। अब इसका की टच आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मीडियम या लाइट में आप रख सकते हो, जबकि वेलोसिटी रियल में है। यानी अगर मैं इसको मीडियम में रख के वापस 115 करूँ तो कैसा बचता है, हम देख लेते हैं। एकदम इजी हो गया, पर वो जान चली गई इसमें से। आप सॉफ्ट बजाओ, लाउड बजाओ, सेम बचता है। पर अगर मैं इसको ये करके लाइट कर देता हूँ, रियल करके, देन देखते हैं। ये देखो, सॉफ्ट बजाना, लाउड, और एकदम लाउड बजाए तो फिर ट्रिल में चला जाता है वो। तो दोस्तों, ये आज का मेन पॉइंट ये था कि गो बैक टू पैच अगेन। सी, मैंने इसको 4 पे रखा हुआ है, दिस इज ट्रिल। अगर आपको चेक करना है तो ओरिजिनल सैंपल में मुझे जो मिला है ये ट्रिल है। अभी अगर इसको भी मैं 5 पे करके देखता हूँ क्या होता है। समहाव ये बहुत ही सॉफ्ट है ट्रिल बजने में, और एक्चुअली इसको ज्यादा रखते भी नहीं, हल्का फुल्का ही रखते हैं। और एक साउंड जो इसमें था मैंने एड ऑन किया है, अब दोस्तों इसके साथ ये साउंड अगर आपने सेव कर लिया, ये समझो ये साउंड आपने सेव, आपसे आपने सेव हो गया आपसे। मैं इसको डायरेक्ट एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना नहीं है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना अभी। अब मैं इसको ड्यूअल मोड पे लेके जाता हूँ, जो तो इसके साथ एक फिंगर बेस आ गया है। यहाँ पे मैं एक पियानो डाल के देखता हूँ, इलेक्ट्रिक पियानो, और इसको मैं खाली एक ही पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो यहाँ पे असाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ वेर इज असाइन। ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये असाइन है, राइट। यहाँ पे लोअर अपर है, उसको घुमाने से ये लोअर अपर आपका आ जाता है, राइट। सो आई थिंक आई विल हैव टू बैलेंस अगेन, और नो फोकस। अब मैं करूँगा, इसके साथ कंपेयर करते हैं। यानी संतूर को बढ़ा दिया, पियानो को कम किया। अभी इसको मैं मीड वगैरह ये इक्यू करके देखता हूँ कैसा लगता है। सब किया,
दोस्तों मैं प्रिफर करता हूं कि मुझे और भी खाली पियानो साउंड लिख लेते हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा लोज है, लो मिड। इसका सस्टेन बढ़ाते हैं हम, कैसा लगता है देखो। रिलीज हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा पियानो को, यानी आप यू कैन मेक अ पियानो साउंड एंड उसको उसमें सस्टेन बिल्ड करके बना सकते हो अच्छा सा एक साउंड, ताकि संतूर और आप इजीली देखो ये अपना संतूर साउंड है, सिंगल संतूर साउंड। और ये ड्यूअल में हम देखते हैं कि ईपी के साथ कैसा लगता है। लेट मी रिवाइज इट अगेन, इसको मैं मोनोफोनिक कर देता हूँ तो आपको वापस संतूर मिल जाए। एंड मैंने क्या किया आज, गो टू एडिट, पैच एडिट दबाया, जो लेफ्ट साइड में बटन मास्टर वॉल्यूम के ऊपर दो बटन है साथ में दबा के, फिर उसको पैच एडिट में गया। पैच एडिट में जाके ऑलरेडी बना हुआ संतूर मिला हुआ था, पर ये पार्शल्स है, ये जो ऐसे साइन किया हुआ है वो पार्शल पार्शल एक दो तीन, ये चार मिलके एक साउंड बना सकते हैं आप। इसमें मैंने तीन पार्शल का इस्तेमाल किया है, पर एक को म्यूट रखा है मैंने। लेट मी गो बैक टू द कॉमन एनवलप, ये है साउंड नंबर 986 संतूर 4C। अब अगर आप इसको बदलेंगे तो पता चलेगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो ये रख लीजिए। जो भी आपको ठीक लगे, यानी आप लेयर्स में भी इन इन सब साउंड का, जैसे अभी यहां पे 980 है, 983 है, दैट इज 983, आई एम सॉरी। हाँ, यहां पे मैं 9 इसको ऑन, ये पार्शल को ऑन कर देता हूं, और इस पे 983 के आसपास का कोई साउंड ले लेते हैं हम। इसमें न्यूमेरिक पैड नहीं है तो इस तरह से ही जाना पड़ेगा, मे बी न्यूमेरिक पैड यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी तक मैंने बुकलेट खोला नहीं है। आइए देखो संतूर यहाँ से शुरू हो गए। दोस्तों मैं यहां तक एंड करता हूं, नाउ आई विल गो टू राइट, सिंस आई हैव पैच राइट करना है मुझे, अगेन संतूर PLV एंटर, एंटर टू ओवर राइट कर देता हूं, या नया साउंड भी बना सकते हैं। संतूर पर उसका नाम मुझे लिखना चाहिए था,
which I have not, but I'll do it tomorrow. Thank you very much for आज के सवाल के लिए, और आपके सवाल से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ कीप आस्किंग क्वेश्चंस.